हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? होप सो आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स पकोड़े। तो ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी लगती है और बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे शिमला मिर्च, जिसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। ये हमने आधा ही शिमला मिर्च लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है बीन्स, इसको भी मैंने आधा आधा छोटा छोटा कट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है आलू, भी छोटा छोटा कट कर लिया है और ये एक आलू है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे फूल गोभी, जिसको मैंने छोटा छोटा इसको कट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है आधी प्याज। हम सब कुछ जो भी सब्जियाँ लेंगे वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आधी प्याज ली है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक कटोरी बेसन। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है मिर्ची, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से 3 से 4 मिर्ची मैंने ले ली है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पालक, जिसे मैं 3 से 4 पत्तियाँ जिसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। फिर उसके साथ हमने इसको बढ़ाने के लिए स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, और ये मैंने आधा स्वीट कॉर्न ले लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है पत्ता गोभी, इसे भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। ये थोड़ा सा ही है, तो ये मैंने स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें सबसे पहले हम हमारे बीन्स डालेंगे, छोटे छोटे जो मैंने कट किए हैं। उसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च, उसके बाद मैंने पत्ता गोभी जो है उसे कट कर लिया था, उसे भी डाल देंगे पत्ता गोभी को। जितनी भी हमारी सारी सब्जियां हैं उन्हें डालते जाएंगे। आपको जो जो सब्जियां पसंद हो उन्हें डाल दीजिए। और ये मैंने पालक जो है उसे भी कट कर लिया था, तो इसे भी मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हमने आलू लिए हैं, तो आलू भी डाल रही हूँ। मैंने थोड़े बड़े बड़े ही काटे हैं, ताकि मुँह में जो है काफ़ी उसका फ्लेवर अच्छा लगे खाने में। उसके बाद क्रंचीनेस के लिए मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, तो अब मैं स्वीट कॉर्न्स को डाल रही हूँ। इससे क्रंचीनेस जो है बढ़ जाएगी और काफ़ी टेस्टी लगेगा खाने में, तो मैंने ये भी डाल दिया। और हमने ये सारी जो सब्जियाँ ली हैं काफ़ी थोड़ी थोड़ी सी ली हैं, ताकि जब ये क्वान्टिटी में बने तो ये उतनी ही क्वान्टिटी, 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो 4 लोगों की क्वान्टिटी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर प्याज, इससे हमारा जो पकौड़ी होगा वो काफ़ी क्रंची हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं फूल गोभी, आप फूल गोभी जैसे चाहें वैसे काट लें, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है, और इसे आप इससे भी छोटा काट सकते हैं। उसके बाद हमने 3 से 4 जो है वो मिर्चियाँ ले ली हैं, जिसे मैंने डाल दिया है। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने डाला है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो हरी मिर्च काफ़ी है। और इसके बाद हम डालेंगे धनिया, और इन सब चीज़ों को अच्छे से, और अब डालेंगे हम धनिया, तो मैंने धनिया भी डाल दिया है। और अब हम डालेंगे बेसन, लास्ट में ही बेसन को ऐड करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कितना आपको ऐड करना है। और जब बेसन को हम ऐड करेंगे तो उसके बाद हम इसको मिला के देखेंगे, क्योंकि कुछ सब्जियां जो होती हैं वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ मिला दिया है, और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद फिर से मिला लेंगे, और फाइनली ये हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे तल लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं, छोटी छोटी ऐसे गोल गोल करके। बेसन उतना ही डालना है जितना ज़रूरत है, ज़्यादा डालेंगे तो टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए पकौड़ियाँ डल रही हैं, काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, और शाम के खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा, चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो अब हम इन सबको बना लेते हैं। जब हम इसे तल रहे होंगे तो हमारा जो तेल होगा उसको हम
काफ़ी गर्म करने के बाद ही इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियों को पलटा लेंगे। अब हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे जो पक चुकी हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, हरी भरी और काफी कलर इसका बहुत अच्छा है, कलर इसका काफी अच्छा आया हुआ है। फाइनली हमारे जो वेज पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, चाय के साथ स्पेशली काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप नाश्ता में भी खा सकते हैं, इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये काफ़ी लाजवाब और काफ़ी बच्चों को पसंद आएगा। जब आपके बच्चे वेजिटेबल्स ना खाएं तो उन्हें आप इस तरह से उन्हें खिला सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी लाजवाब लगेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।